हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुबह 6 बजे के समय, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर का करंट अफेयर्स। दिसंबर के बाद हम लोग चलेंगे नवंबर, इसी तरीके से जो पूरी सीरीज़ है वो कवर करते हुए चलेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर की जो न्यूज़ है वो पूरी की पूरी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी हुई है। तो सुबह का जो टाइम है 6 बजे का, 15 मिनट का टाइम निकाल लिया करो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है। और इसके बाद जो अगला वाला सेशन होता है 7 बजे, जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है विद स्टेट एंड कंट्री वो डिस्कस करते हैं। तो चलो ज़रा शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मंडे का दिन है तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए आज के न्यूज़ के सेशन में ज़्यादा होंगी। चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सॉइल डे। सवाल पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो कौन से दिन मनाया जाता है। इसके बाद जब दिसंबर के बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे ना, तो दिसंबर में जितने भी डेज हैं विद देयर थीम, वो आपको एक लिस्ट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दिन कब सेलिब्रेट होता है, 5th of December को मनाया जाता है। इसके साथ एक दिन आपको और याद रखना है और वो है 16th of December, जिसे हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनिसेफ्स डेनी कैरी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सवाल में पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ के द्वारा अभी हाल ही में डेनी कैरी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। सिंपल सा आंसर रहेगा, प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, तो आंसर बनेगा न्यूयॉर्क के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। न्यूयॉर्क में एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, दैट इज़ यूएन। और दूसरी तरफ अगर देखो वॉशिंगटन DC, यहाँ पे दो हेडक्वार्टर्स हैं, पहला है IMF का और दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। जितने हेडक्वार्टर्स हैं अच्छे से याद कर लो, कई बार मैंने इसकी लिस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करी हुई है। एक बार से ज़रा करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाके चेक कर लेना, जो सिर्फ कंटेंट का है। ठीक है, चलो अच्छा ये तो बात हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज़ या फिर डिसेबल्ड पर्सन्स। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट ही, एक विभाग बना के रखा हुआ है किसके लिए, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, यानी कि जो जैसे कि विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कहाँ पर, मैसूर के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि मैसूर की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा। मैसूर आ जाएगा तो कर्नाटका आएगा, और यहीं पर मैसूर में अभी आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर एक समिट भी ऑर्गेनाइज करी गई थी, कहाँ पर, ये भी आपको मैसूर के अंदर ही देखने को मिलेगा। कर्नाटका जब भी आएगा तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए दो इंडेक्सेस, पहला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, दूसरे की बात करोगे, अगर दूसरे आपसे इंडेक्स पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंडेक्स। ये दो ऐसे इंडेक्सेस हैं जहाँ पर आपको कर्नाटका टॉप पे देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़रा इनके नाम जो हैं वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हु वॉज अवॉर्डेड द इमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड। इमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, आंसर क्या बनेगा, विनोद कुमार यादव जी को। अब अच्छा ये न्यूज़ में क्यों था, देखो रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे के जो चेयरपर्सन हैं कौन है, वो विनोद कुमार यादव जी हैं। और अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते ये जो नाम है ये आपको न्यूज़ में देखने को मिला। तो अगर पूछा जाता है कि चेयरपर्सन ऑफ रेलवे, आंसर क्या बनेगा, विनोद कुमार यादव जी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 15 सितंबर को क्या होता है, इंजीनियर्स डे होता है ना, उस दिन इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो भी आंसर क्या बनेगा, तब भी आंसर यही सेम रहेगा, विनोद कुमार यादव जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है, ये जो मंत्रालय है, ये किसके पास है, तो आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, पीयूष गोयल जी। नाम इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल जी का नाम हो गया, प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम हो गया, देन श्रीपद नायक जी के, ये कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जो यूजुअली कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपको न्यूज़ में मिलती ही मिलती हैं। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, 107 ये एडिशन नंबर है, ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस किस जगह पर आयोजित करी गई, तो आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर रहेगा बेंगलुरु। अब अगर आपसे पूछा है यहाँ पर कांग्रेस के बारे में, तो ये जो कांग्रेस टर्म आ रहा है ना, अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है, बट हमें क्या याद रखना है, साइंस आया है ना, तो साइंस और कांग्रेस दोनों वर्ड्स जहाँ पे जुड़ के आपके लिए एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु वही सेम आ जाएगा क्या, कर्नाटका। अभी मैंने आपको कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट बता ही दिए, अच्छा चलो कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहीं आपको मिलेगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, इम्पॉर्टेंट है ये, नागरहोल नेशनल पार्क,
अंशी नेशनल पार्क, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अंशी नेशनल पार्क जो है वो कौन सा स्टेट में है? आंसर कर्नाटका रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल दिसंबर का, धनु जात्रा फेस्टिवल, ये जो महोत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? धनु जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर रहेगा यहाँ पर उड़ीसा। अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, 11 दिन तक ये मनाया जाता है, 11 डे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम लिखा हुआ है और इसको नेशनल फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? उड़ीसा में। एक चीज़ और, नौखाई फेस्टिवल, ये भी कहाँ है? ये भी आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। तो दो फेस्टिवल हो गए जो आपको याद रखने हैं उड़ीसा से। थर्ड वो आपको पता ही है, जगन्नाथ पुरी वाला जो है, ये सिंपल सा रहेगा, इजी है, ये आपको पता है कहाँ? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उड़ीसा से ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ओलिव रिडली टर्टल, घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोशिकुल्ला रिवर, ये जितने जितने नाम आ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना, नाम साते जा रहे हैं, नाम आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, एट विच प्लेस, किस जगह पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का एक अकेडमी खोली जाएगी? जगह का नाम आपको बताना है, नाम क्या हो जाएगा? नागपुर रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी ये आएगा तो NDMA भी तो आएगा ना, और NDMA की बात करो तो ये कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। काम क्या है? जितना भी डिज़ास्टर होता है या हम कह लें जो आपदा आती है, उसके लिए यहाँ पर NDMA का गठन किया गया था। इसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? PM इसको हेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नागपुर हो गया ये। एक चीज़ और, ऑक्सीजन पार्लर अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? ये आपको मिलेगा नासिक के अंदर। दो अलग चीज़ें दोनों ही, लेकिन कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखो, उमारू इम्बाकू, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद करना पड़ेगा, उमारू इम्बाकू, ये अभी हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कंट्री का नाम क्या हो जाएगा? गिनी बिसाऊ। और गिनी बिसाऊ से जो बिसाऊ टर्म है ना, ये क्या है? ये इसकी कैपिटल भी है। करेंसी पूछी जाएगी तो फ्रैंक हो जाएगी, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाता है कि वेस्ट अफ्रीका, या देखो ये वो पॉइंट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर एग्ज़ाम में गलत हो गया ना, फिर क्या हो सकता है? गलत हो गया तो हो गया। देखो वेस्ट अफ्रीका के अंदर टोटल आपको 8 देश देखने को मिलते हैं, तो ये 8 जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो करेंसी है क्या है अभी फ़िलहाल? CFA फ्रैंक। इसको चेंज करके क्या करने वाले हैं? इको में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अगर अगले की बात करोगे यहाँ पर, तो ज़रा आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, और इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर चैम्पियनशिप पूछी जाएगी 2020 वाली, तो अभी हाल ही में किस जगह पर शुरू करी गई है? आइस है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा, या फिर लद्दाख होगा, यही तो होगा ना। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर रहेगा यहाँ पर लद्दाख, लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब देखो, लद्दाख और लेह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है आदि महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, इम्पॉर्टेंट। दूसरा, यहीं पर आपको मिनी कॉन्क्लेव देखने को मिला। तीसरा, वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो मैराथन है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिली। तो इतनी सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? लद्दाख से। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर जी यहाँ पर रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल पे, चलो अगला सवाल यहाँ पे क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है ज़रा वो क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? HDI जो एक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो इंडिया की रैंकिंग है 129, ठीक है। अब देखो, अगर ग्लोबल हंगर पूछा जाएगा 102 हो जाएगी, इसके बाद ये हो गया यहाँ पर जेंडर गैप, हम आपको बता चुके हैं 112 हो जाएगी। इसके बाद अभी एक और आई थी जिसमें बात करी गई थी हेलीज पासपोर्ट इंडेक्स में, इसमें अगर देखो तो इंडिया की रैंकिंग अब कितनी हो गई है? तो 84 देखने को मिलेगी। और इसी इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन रहा? जापान देखने को मिलता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? विच गवर्नमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, सरकार है, जिसने अभी हाल ही में एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड बनाया है ताकि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनको कम किया जा सके या फिर उसको कर्ब किया जा सके? तो ये स्टेट कौन सा रहेगा? ये स्टेट बनेगा आसाम। आसाम के अंदर इस तरीके का एक स्क्वाड बनाया गया है जो ये काम करेगा ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अगर आसाम से पूछा जाएगा तो सोनोवाल जी सीएम हो जाएंगे और जगदीश मुखी जी आपको एज अ गवर्नर देखने को मिलेंगे। माजुली आइलैंड आसाम में ही मिलेगा। यहीं पर खेलो इंडिया का थर्ड एडिशन जो है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी, कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर, राइट। चलो अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है ना यार, रिविजन है, फास्टर चलना पड़ेगा वरना फिर हम लोग दिसंबर ही रिवाइज करते रह जाएंगे तो आगे का कब पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, विच स्टेट, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेते हैं ना, दैट्स इट। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड 101 पशु किसान क्रेडिट कार्ड। सवाल पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जहाँ पर अभी हाल ही में पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए, वो भी कितने, 101। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन था नहीं तो दोबारा से इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य किरण का 14th एडिशन जो है एक्सरसाइज है ना इंडिया की, कौन सी कंट्री के साथ, नेपाल के साथ, अभी हाल ही में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी, किस जगह पर इसका आयोजन हुआ, आंसर बनेगा नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू, नेपाली रुपी रहेगी इसकी करेंसी। अनइम्पॉर्टेंट, काठमांडू के अंदर आपको सार्क का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर टोटल 8 देश देखने को मिलेंगे एंड इंडिया इज अ बिग ब्रदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा USD यानी कि डॉलर्स में 450 मिलियन का अमाउंट जो है वो एक कंट्री को दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है भारत के द्वारा, आंसर क्या रहेगा, आंसर बनेगा सिंपली श्रीलंका। श्रीलंका में अभी प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे कुछ टाइम पहले और यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे कोलंबो जयवर्धनेपुरम कोट्टा इसकी कैपिटल हो जाएगी। देन लोटस टावर जो कि चाइना ने डेवलप किया कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर कोलंबो में। इसके बाद मटाला एयरपोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए हैं, फटाफट से इनका एक प्रॉपर रिविजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़ के छोड़ मत देना। अगला देखो, किसको अभी हाल ही में 50th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, यहाँ पे अकीथम जी को मिला है। स्टेट याद रखना इनकी कौन सी रहेगी, केरला, ठीक है। 3 इंडेक्सेस होंगे जिसमें ये टॉप पर है, SDG हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया और तीसरा कौन सा है, हेल्थ इंडेक्स, तीनों में केरला ऑन टॉप, ओके। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नागालैंड डे। नागालैंड का फाउंडेशन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, सिंपल है, इट्स 1st of December और यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा कहाँ, नागालैंड के अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है यहाँ पे कालेश्वर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट के अंदर है, ये एक डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टेट कौन सी रहेगी, तेलंगाना। अगर मान लो पूछ लिया जाता है आपसे रिवर कौन सी हो जाएगी, रिवर कौन सी रहेगी, गोदावरी रहेगा इसका आंसर। स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मार्क मत कर दीजिएगा, कई बार हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट देखो, हु विल बी द न्यू PM ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है, क्योंकि सबसे यंगेस्ट हैं इसलिए नाम पूछा जा सकता है, सना मैरिन। फिनलैंड आया है, कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल रहेगी यहाँ पे हेलसिंकी। अगर करेंसी पूछी जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी, सिंपल यूरो रहेगी इसकी करेंसी। एंड अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, तो कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, यूरोप रहेगा इसका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा इंडिया की रैंक पूछी गई है किसके अंदर, फीफा के अंदर, बार बार चेंज हो रही है, 102, 104, 106, नाउ इट्स 108। या प्लीज़ इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, कई लोग कई बार 106 बोल चुके हैं बट इट्स 108। अब देखो फीफा पूछा गया है ना, 2022 में कहाँ होना है, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कतर के अंदर। उसके बाद 26 वाला, 3 कंट्रीज़ हैं USA, कनाडा एंड मेक्सिको, तीनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ हम बता देते हैं,
शॉर्ट वीडियो रहता है ताकि आपके लिए जो रिविजन है वो भी आसानी से हो सके और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और रिविजन जो है वो आपका प्रॉपर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन में आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा। अब आपसे मिलेंगे कितने बजे, 7 बजे। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जल्दी से 7 बजे जो है सेशन में स्विच कर जाइएगा। बाय बाय।